देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। Class you are studying? Sir, I study in class 7. Okay, what do you wanted to be? Sir, engineer. Engineer, very good. Bye-bye. Rang biranga uncha aasma se tera tiranga jeene ki ijazat de de ya hukm shahadat de de manzoor hame lakshya karai jati hai। इसी चीज को आगे लेके जाते हुए हमारे पास एक नोएडा के बिजनेसमैन आए हुए हैं, नाम है गौरव चौहान। साथ में ये क्या करते हैं, समाज सेवी हैं एवं विभिन्न विभिन्न तरीकों से लोगों की समाज की मदद करते हैं। मैं एक बार इसे निवेदन, जो भी तू चुने रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, उड़ेंगे हम पूरे नोएडा में कार्यरत रहते हैं। अभी विभिन्न तरीकों से कार्यरत रहते हैं, जैसे कि गर्मी में चीजों को लोगों को खाने के लिए सामान बांटना एवं पिछले कोरोना काल में जो भी चीजें हुई उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूरे कोरोना के काल में इन्होंने जगह जगह पर खाद्य शिविर लगवाए एवं आज हमारे पास हमारे संस्थान में ये उपलब्ध है, यहाँ पर आए हुए हैं हमारी कुछ सहायता करने के लिए। मैं बेहद धन्यवाद करना चाहूँगा आपके आने के लिए। एक बार जोर और तालियां हो जाए। अब आपके सामने रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, उड़ेंगे हम जो भी तू बुने, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के। नमस्कार, मेरा नाम अमित है। मैं आप सभी लोगों को 26 जनवरी की बधाई देता हूँ। हमारा उदार फाउंडेशन आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है सभी बच्चों के साथ। आप लोगों से ये निवेदन है कि जैसे कि उदार की एक परंपरा है कि लोगों को, बच्चों को जो हमारे आने वाले भविष्य हैं देश के,
उनको फ्री में शिक्षा देना हमारा मेन मोटिव रहता है। इसी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे साथ एक महान हस्ती है, नाम है गौरव चौहान। गौरव जी मैं एक बार निवेदन करूंगा आने के लिए। गौरव जी हमारे गौरव सर हैं और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हालांकि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ये समाज सेवी हैं एवं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं, अभी ये उदार फाउंडेशन में आए हैं, उनके लिए मैं बेहद इनका धन्यवाद देना चाहूंगा गौरव सर का। साथ में आने वाले चीजों के लिए, आगामी चीजों के लिए किस प्रकार से हमें मदद कर सकते हैं, इन्होंने समझा, ये आए और हमारे फाउंडेशन को देखा इन्होंने, और देखने के बाद जैसे कि समझ पाए किस तरीके से बच्चों को आगे दी जाने वाली शिक्षा में मदद कर सकते हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कृपया करके जो भी इनसे बन पड़े, जो भी मदद कर सके उनके लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। एवं जिस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं, बहुत बहुत तो मुझे आज यहाँ उदार फाउंडेशन में आके बहुत ही अच्छा लगा बच्चों को देख के, और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जितने बच्चे हैं पढ़े लिखे और आगे बढ़े, और जो भी मेरे से बन पाएगा मैं पूरी मदद करूंगा कोशिश करने की। बस